मोजेस खवातीन हज़रात, एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। हम एहसास की जानिब से आप तमाम मोजेस खवातीन हज़रात से मुखातिब हैं। नाज़रीन, आप दुनिया के जिस मुल्क में, जिस स्टेट में हैं, जिस शहर में हैं, जिस मकाम पर हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि आप दुनिया के जिस बर आज़म में भी हैं, अगर आपके सामने हमारी ये टेलीविज़न की ट्रांसमिशन जारी और सारी है, तो जान लीजिए कि ट्रांसमिशन आप तमाम मोजेस खवातीन हज़रात के लिए है। नाज़रीन, इन ट्रांसमिशंस का जो मकसद, मतलब जो लुब लबाब है, वो सिर्फ ये है कि गरीबों की मदद का कोई सिलसिला जारी और सारी रहे। अब देखिए ना, हम तो ये कहते हैं कि तकरीब कोई बहर मुलाकात चाहिए, यानी हम ये सोचते हैं कि गरीबों की मदद करने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई मौका ऐसा मिल जाए कि जिस मौके के हवाले से हम गरीबों की मदद में आगे बढ़ सकें। नाज़रीन मोहतरम, एहसास की इन इज्तिमाई क़ुरबानियों के सिलसिले की ये ट्रांसमिशन है, यानी अब ईद क़ुरबान में, ईद उल अज़हा में, मेरा ये ख्याल है कि दो दिन बाकी रह गए हैं। अल्लामा साहब जी, दो दिन रह गए, अब दो दिन बाकी रह गए हैं, और हमारी कोशिश, काविश, जस्तजू ये है कि किसी भी तरह गरीबों की मदद के लिए इज्तिमाई क़ुरबानियों का ज़्यादा से ज़्यादा इजमा हो जाए, इज्तिमाई क़ुरबानियों की ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कलेक्शन हो जाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद में पेश रह सकें। नाज़रीन मोहतरम, ईद के पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन क़ुरबानियाँ जैसे ही शुरू होती हैं, और हम वहाँ से टेलीविज़न की स्क्रीन पर टिकर चलाना शुरू करते हैं कि किसके नाम से, किसकी जानिब से क़ुरबानी पेश की जा रही है, किसकी जानिब से ये ज़बीहा पेश किया जा रहा है, किसकी जानिब से इस ज़बीहे में शेयर्स जिन्होंने ख़रीदे हैं उनके नाम शामिल किए जाते हैं, और वो नाम सारा दिन टिकट की सूरत में चलते रहते हैं। आप तमाम मौजूद ख़वातीन हज़रात को हम बार बार यही याद दिला रहे हैं, बावर करा रहे हैं कि नाज़रीन, अब चूँकि वक्त रह गया है कम और मुकाबला हो गया है सख्त, इसलिए आपको जल्द अज जल्द ये चाहिए कि अगर आप अपने वतन में या अपने वतन के अलावा कहीं क़ुरबानी पेश करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर फौरी तौर पर एहसास से राबता कायम करना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, आप अगर अपनी जानिब से अपने वतन में क़ुरबानी पेश करवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बावजूद अगर अल्लाह ने आपको इस्तेदाद दी है, आपको परवरदिगार ने साहिब रिस्क रोज़ी बनाया है, तो आपको ज़रूर ये चाहिए कि अपनी जानिब से क़ुरबानी के कुछ जानवर एहसास के पास भी आपको ज़रूर पेश करने चाहिए, ताकि गरीबों की मदद का ये सिलसिला जारी और सारी रहे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सैयद ज़ैग़म अली गर्देज़ी साहब, दानियाल शेख साहब और सैयद हमीद अफसर अशरफी साहब। सैयद हमीद अफसर अशरफी साहब सीनियर सहाफ़ी भी हैं, ब्रॉडकास्टर भी हैं, समाजी रहनुमा भी हैं, कारकुन भी हैं। जब सब आप ये हैं तो बेगम को टाइम कब देते हैं फिर? यही तो उनको शिकवा आया था हमसे, देखिए यही शिकवा है। आप घर की कहानी है, मैं क्या अर्ज़ करूँ। वो भी यही कहती हैं कि आप हमको वक्त नहीं देते, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो काम मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें उनका ताबुन भी हासिल है और उनकी दुआएँ भी शामिल हैं। तो जो सामाजिक काम हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उससे हम बहुत ज़्यादा मुतमईन होते हैं, और घर के जो फ़राइज़ हैं बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अदा करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब हैं, उनकी एज है 96 ईयर्स, कराची में ही होते हैं और बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर हैं वो जी। वो मैं और जावेद मियादाद साहब दोनों बैठे हुए थे उनके पास, तो वो कहने लगे, भाई अली रज़ा, मैं तो हर वो इलाज कर देता हूँ कि जो नामुमकिन है। मैंने कहा, डॉक्टर साहब ये बताइए, बीवी सही कैसे हो सकती है? कह लेकिन नहीं, इसका इलाज कोई नहीं है। सही बात है। नाज़रीन मोहतरम, हमारी इस ट्रांसमिशन में आप सब मौजूद हैं, हम और आप सब मिलकर गरीबों की मदद के सिलसिले में कोई ना कोई तरीक़ेकार लायामल तैयार करते रहते हैं, और एहसास का ये तरीक़ेकार है कि मौका गनीमत जानते हुए आप तमाम दोस्तों के दरमियान हमारी ये टेलीथॉन, हमारी ये बराह रास्त नशियात शुरू हो जाती हैं, और जो हमारे डोनर्स हैं, सीनियर डोनर्स जो हमारे हैं, वो सब जानते हैं कि किस तरह मदद का ये सिलसिला जारी और सारी रहना चाहिए।
आप तमाम दोस्तों से हमारी एक बार फिर ये गुजारिश है कि हमारे स्टूडियोज़ के टेलीफोन लाइंस खुली हुई हैं, हमारी कंट्रोल रूम की टेलीफोन लाइंस खुली हुई हैं, आप जहाँ जिस जगह चाहे फ़ोन कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, याद दिलाता चलूँ कि ऐसा नहीं है कि जानवर ख़रीदने में और क़ुरबानी के लिए पेश करने में कोई घंटों का टाइम लगता है, सिर्फ चंद लम्हों का टाइम होगा। आपको सिर्फ टेलीफ़ोन करना है और उस टेलीफोन कॉल के बाद कंट्रोल हमारा आपको चंद ही लम्हों में ये बता देगा कि किस तरह क़ुरबानी के जानवर आपने एहसास के पास जमा करने हैं। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि किसी भी नेकी और भलाई का काम सरंजाम दिया जाता रहे ताकि हम अल्लाह के हुजूर सुरखरू तो हों कि हमने मालिक तेरी ज़िंदगी में, तेरी दी हुई नेमतों में हमने तेरे गरीबों को भी अपने साथ शामिल रखा है। क्या फरमाते हैं आप हुजूर? यकीनन अली भाई, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद यही होना चाहिए कि वो किसी भी तौर पर खल्के खुदा की खिदमत के लिए मदद करता रहे और उनके दुख सुख का मदावा करने के लिए अपना किरदार अदा कर सके। वाह वाह वाह। और इसी को कुरान करीम में इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई गई। हदीस रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में मुसलमान का मुसलमान से जो रिश्ता है ना जी, वो फरमाया गया कि एक इमारत की तरह है, और एक हदीस में फरमाया कि जसद वाहिद की तरह है, और इसको फरमाया कि जिस्म का एक हिस्सा अगर मुतासर होता है, अगर तकलीफ में होता है तो दूसरा उसकी तकलीफ को महसूस करता है। यानी अगर वो तकलीफ महसूस ना करे तो आमतौर पर यह कहा जाता ना कि ये मफलूज हो गया, यानी उसको वो एहसास ही उसमें नहीं रहा जी, और उसमें वो कैफियत ही नहीं रही कि वो तकलीफ को महसूस कर सके। तो खुदा ना खास्ता अगर हम में तकलीफ को महसूस करने का मादा नहीं है, हम किसी को मफलूकुल हाल देखकर एहसास नहीं है, तो यकीनन हम वो बिल्कुल ही मफलूज हो चुके हैं, तकलीफ का एहसास ही नहीं। हम मुआशरे का वो मफलूज हिस्सा है कि हमें किसी के दुख सुख देख कर भी अगर उसका एहसास नहीं हो रहा। और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसको अगर मखलूक खुदा की खिदमत का एक मामला किया जाए तो इसको तो इतना अजीम अमल करार दिया। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मखलूक ये अल्लाह का कुंबा है, अल खल्कु अयालुल्लाह, कि मखलूक खुदा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुंबा है। हाँ। और अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा पसंद उसको फरमाता है जो उसके कुंबे के साथ खैरख्वाही करे, उसके साथ भलाई करे। यानी हम देखें ना, दुनिया में हमारे बच्चों के साथ, हमारे घर वालों के साथ अगर कोई एहसान करता है, भलाई करता है, मुश्किल में उनका साथ देता है, तो हम पूरी ज़िंदगी उसका एहसान मानते हैं और पूरी ज़िंदगी उसके शुक्र गुजार रहते हैं कि इसने फ़लाँ वक्त में, कड़े वक्त में हमारे घर वालों का इसने साथ दिया, फ़लाँ तौर पर इसने हमारी मदद की। तो जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुंबे के साथ, बावजूद इसके कि हमारे वसाइल महदूद होते हैं, हमारे इख्तियारात महदूद हैं, हमारे पास जो भी कुछ है वो महदूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको अपना कुंबा करार दे रहा है, तो अगर कोई उसके साथ खैरख्वाही का मामला करेगा, अल्लाह ताला जो जिसके इख्तियारात महदूद नहीं है, जिसके वसाइल महदूद नहीं है, जिसकी ताकतें महदूद नहीं हैं, लामहदूद इख्तियारात और ताकतें हैं, खजाने लामहदूद हैं, तो वो उन लामहदूद खजानों से नवाजेगा कितना, हम इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो कुंबा है मखलूक खुदा, उसकी खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला दुनिया में भी इसकी बरकतें अता फरमाएगा, आखिरत में इसकी बरकतें अता फरमाएगा। जी, आप क्या फरमाते हैं अशरफी साहब? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अल्लामा साहब ने। अरे हुजूर, इन्होंने भी तो फरमा रहे हैं, कुछ हमारी तो सुन नहीं रहे, आप अल्लामा साहब की सुने जा रहे हैं, आप दोनों हजरात की सुन रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि देखें, ये जो नेकी की तौफीक है जी, ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम से ही इंसान नेकी कर सकता है। बिल्कुल। अभी जैसे गुफ्तगू में आप फरमा रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जिनको नेकियों की तौफीक नहीं होती, बात चल रही थी इस सिलसिले में, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा इनाम हमारे ऊपर किया है कि हम देखें रात के इस पहर में नेकी की लोगों को दावत दे रहे हैं। तो वताअवन बिर वतक्वा, कि नेकी और परहेजगारी की कामों में एक दूसरे के साथ ताबुन करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नेकी की सदा लगाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, और जो हजरात हमारी इस आवाज़ के ऊपर लबैक कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल के अंदर भी बहुत बड़ी ये नेकी का सामान किया है। वरना देखिए, फ़ी ज़माना शैतान हर तरीके से वलगलाने की कोशिश करता है, लोगों को बहकाने की कोशिश करता है कि किसी तरीके से वो नेकी से दूर रहें। हाँ। और जैसे कि अल्लामा साहब ने फरमाया कि जो क़ुरबानी वाजिब है वो तो हमें करनी ही है, लेकिन उसके अलावा अल्लाह ताला ने जो तौफीक दी है, और अगर हमारे दिल में ये आ जाए तो हम तमाम
उम्मत की तरफ से और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, औलिया कराम की तरफ से, बुजुर्गान दीन की तरफ से, और या नेकी समझकर कि ये हमारा दिया हुआ ये अतिया, ये पैसा दूर दराज लोगों की दिलजोई का सबब बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस नेक काम में हमें हिस्सा लेना चाहिए। देखिए इस वक्त तो हम लोग बहुत जदीद दौर से गुजर रहे हैं, तमाम सहूलतें हैं। बचपन में जब हम सामाजिक काम किया करते थे तो वो सहूलतें हमें मैसर नहीं थी, गोश्त की तकसीम के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। हाँ। हमें आज भी याद है कि हम साइकिल के ऊपर गोश्त रख कर और दूर दराज इलाकों में जाते थे और पहुँचाने की कोशिश करते थे, जिसमें बहुत सारा गोश्त ख़राब भी हो जाया करता था। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है ना, लेकिन अभी आप ये देखेंगे ये माशाल्लाह गाड़ियों के ऊपर रेफ्रिजरेटर भी मौजूद है, और उसमें जैसा कि आपने खुद कहा कि आपका खुद भी वहाँ जाना हुआ। हाँ। कि आप उसके अंदर एसी में रख के सारी चीज़ें वहाँ पहुँचाते हैं। तो अभी ये सहूलतें बहुत आसान हो गई। इसी तरह ये कुर्बानी की बुकिंग का देख लें कि एक उंगली के ऊपर जनाब अली बुकिंग हो जाएगी। और सही मानों में देखें आम जो माहौल बाहर के लोगों को मैसर नहीं है कुर्बानी का, कि वो किस तरीके से मुस्तहिक को तलाश करेंगे, कहाँ वो पहुँचाएँगे। लेकिन एहसास ने वो प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया है कि जिसके ज़रिए आपकी कुर्बानी भी हो जाएगी और असल मुस्तहकीन तक भी वो पहुंच जाएगी। ये एक बेहतरीन ज़रिया है। और इसमें देखें तैयारशुदा खाने भी अल्हम्दुलिल्लाह एहसास फाउंडेशन के तहत दिए जाते हैं। अब दूर दराज के वो इलाके जिनके पास मसाला जात नहीं हैं और पकाने की चीज़ें नहीं हैं, वो सहूलतें मैसर नहीं हैं, वो दो वक्त की रोटी नहीं खा सकते, तो फिर वो खाना पकाना रंग रंग खाने किस तरीके से खा सकते हैं। तो वो एहसास ने वो प्लेटफॉर्म भी उनको दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आप एक ज़रिया बने हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जो जो लोग भी इसमें दामे दरमे सुखने तामुन करते हैं, ये बहुत बड़े अजर का काम है। और हम लोग जो यहाँ पर सदा लगा रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अपनी शान के मुताबिक इंशाअल्लाह जो है वो अता फरमाएगा। नाज़रीन मोहतरम, हमारा कहना यही है, आप सबको याद यही दिलाना है कि किसी भी गरीब की मदद के लिए उसका कोई सलीका ज़रूरी नहीं है, और मदद दामे दरहमे सुखने, यानी जिस तरह मुमकिन हो मदद करनी चाहिए। और मैं तो अपने दोस्तों को ये कहता हूँ, पूरी दुनिया में नाज़रीन मेरा आना जाना रहता है साल के दो तीन महीने, मैं हमेशा एक बात ज़रूर कहता हूँ अपने दोस्तों से कि मदद ज़रूर करना चाहिए, मदद उसकी भी करें चाहे वो मुसलमान हो या ना हो। अगर वो इंसान है तो इंसानियत के नाते उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, और किसी भी फैले हुए हाथ को कभी खाली न जाने दीजिएगा। यह वस्फ़ है उन लोगों का कि जिन पर अल्लाह ने अपनी रहमत नाजिल फरमाई। परवरदिगार आलम बहुत रहीम बहुत करीम है, और परवरदिगार अपने बंदे के जो मामलात हैं उन्हें बग़ौर देखता है, और वो सब उसके फरिश्तों की ज़िम्मेदारियों में है कि हर एक हर लम्हे की चीज़ लिखता रहे और परवरदिगार के हुजूर पे पहुंचाता रहे। मैं आपको एक बात याद दिलाता चलूं कि ये दुनिया जो है, ये दुनिया कोई तमाशा नहीं है नाज़रीन, ये दुनिया मुकम्मल तौर पर एक एहतसाब घर है। एक एक लम्हे का हिसाब होगा। जो हम यहाँ इस दुनिया में किरदार अदा कर रहे हैं, वो किरदार नहीं मालूम कब कहाँ कैसे किस तरह अचानक हमारे सर पर साहिबान बन जाए या हमारी राहों की रुकावट बन जाए, ये हमारे किरदार पर मुनहसर है। और फिर इस दुनिया में रहने वाले, बसने वाले, आने वाले और चले जाने वाले, बस वही जानते हैं कि इस एहतसाब घर में ज़िंदगी कितनी कठिन है, क्योंकि वक्त आखिर यानी वो वक्त कि जब हमारे जज़ा और सज़ा का मामला होगा, वो जज़ा और सज़ा के लम्हात जो हैं हमें फिर कोई वक्त नहीं देंगे कि हम दो रकत नमाज अदा कर लें या कोई दुआ कर लें, अल्लाह की दरबार में कोई दुआ कबूल हो जाए। कबूलियत उस वक्त तक है जब तक हमारी सांसें बाकी हैं, जब तक हमारी सांस आ जा रही है।
और इन सांसों का मालिक और मुख्तार वही रब कायनात है, वही रब कुल है, कि जो जो हमें ये हिम्मत देता है कि हम नेकी करते चले जाएं। और याद रखिए नाज़रीन, नेकी का जो एक बीज है ना, उस बीज को बोते चले जाइए। और नेकी है भी वो कि जिसके साथ भलाई करने के बाद हमारे और आपके जहन में ये ना हो कि इससे कल हमें फ़ायदा पहुँचेगा। अगर हमारे जहन में ये बात है तो वो नेकी नहीं हुई बल्कि मुनाफिकत हो गई। नेकी वो है कि आप नेकी करें और भूल जाएं। नेकी मैं कहता हूँ कि एक छोटा सा बीज है, आप अपनी राह गुज़र पर वो बीज लगाते चले जाइए। क्या पता कि कल तपती हुई धूप में जब सूरज सवा नेज़े पर हो और हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां हों, क्या मालूम कि हमारे लगाए हुए नेकी के वो छोटे छोटे बीज तनावर दरख्त साबित हो जाएं, साहिबान बन जाएं, और फिर अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को पसंद करता है वो उसकी मखलूक की मोहब्बत है, उसके मखलूक से प्यार करना है। और परवरदिगार हमें और आपको इन चीज़ों की तौफीक अता फरमाता रहे। जी अल्लाह साहब, यकीनन अली भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल मखलूक खुदा की खिदमत का है। जी, कुरान करीम की मशहूर आयत मुबारक आयत बिर जिसको कहा जाता है, आयत बिर नेकी को कहा जाता है अरबी में। तो ज़माने जाहिलियत में लोगों ने ये तसव्वुर किया कि हम कोई खाना काबा का मुतवल्ली है, कोई मुख्तलिफ़ उसके उमूर हैं, मुख्तलिफ़ उसके मामलात हैं। तो अब इसको अपने लिए फ़ख्रिया तौर पर सब एक बताया करते थे, जाहिर किया करते थे कि हम तो ये काम करते हैं। तो कुरान करीम में फरमाया कि नेकी ये नहीं है कि तुम मशरिक़ या मगरिब की जानिब रुख कर लो और ये सारे मामलात को तुम नेकी इसी तक महदूद कर लो। बुनियादी जो अकायद इस्लाम के उनको बयान फरमाया कि वलाकिन अलबिर्रमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबीयीन, कि अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर, मलाइका और अल्लाह की किताबों पर, नबियों पर ईमान लाना, ये इस्लाम का बुनियादी अकायद। उसके बाद जो खल्क़े खुदा की खिदमत के मामलात हैं इससे मुत्तसिलन बाद, यानी कोई शख्स मुसलमान हो गया, ठीक है, अब नमाज बाद में है, रोज़ा बाद में, ये सारी चीज़ें बाद में, उससे पहले जिन चीज़ों को फोकियत दी गई, फरमाया कि व आतल माला अला हुब्बी ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन वल मुब्नि सबील वसाइलीन फिर रिक़ाब, के अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत में अपना माल खर्च करना ग़ुरबा पर, फ़ुकरा पर, मसाकिन पर, मुसाफिरों पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए इन नादार अफराद पर खर्च करना। फिर उसके बाद फरमाया कि वाकाम सलात वात ज़का, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, यानी ये सारी चीज़ों से इबादत से ज़्यादा मुकद्दम मामलात फरमाए गए, हुकूक उल इबाद को मुकद्दम फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक से जो खैर ख्वाही का मामला है ये अगर करके फिर अल्लाह की बारगाह में सजदे के लिए हाजिर हो गए तो अल्लाह ताला सजदा कबूल फरमाएगा। सजदे करते रहे, मखलूक खुदा उधर परेशान हाल है और वो मदद के मुस्तहिक है, उनकी मदद से चशम पोशी की हुई है और कोई उससे मुतालिक अपना किरदार बावजूद हैसियत के नहीं अदा करता, तो खाली सजदे करना या इबादत करना ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। हदीस मुबारका में फरमाया ना कि कल अल्लाह की बारगाह से पूछा जाएगा कि मैं भूखा था तूने खाना नहीं खिलाया, वाह, मुझे प्यास पानी की ज़रूरत थी तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मुझे लिबास की ज़रूरत, बंदा अर्ज़ करेगा कि इलाही ये सारी चीज़ें तो बशरी तकाज़े हैं, इंसानी लवाजमात हैं, इंसान खाना पीना और भूख और ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करता है और ये सारी चीज़ें उससे मुतालिक हैं। बारी ताला तुझे मैं कैसे खाना खिलाता, पानी तुझे कैसे पेश करता, लिबास तुझे कैसे, तुझे तो ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह की बारगाह से फरमाया जाएगा कि क्या तुझे पता नहीं है कि मेरा फुला बंदा तेरे इल्म में था कि वो भूखा है, अगर तू उसको खाना खिलाता तो मेरी रहमतों को मां पाता, फुला बंदा तेरे इल्म में था कि वो प्यासा है, उसको पानी की ज़रूरत है, फुलाओं को लिबास की ज़रूरत है, फुलाओं को फुला चीज़ की ज़रूरत है, तो जानता था कि इन अफराद को, मेरे जो बंदे हैं उनको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, अगर तू वहाँ जाकर उनकी खिदमत करता तो मेरी रहमतों को वहाँ पाता। तो अगर आज हमारे इल्म में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, मुल्क में जो तंगदस्ती है, फाका है, गुर्बत और महंगाई, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, इसके बावजूद अगर अल्लाह ताला ने हमें जो हैसियत दी है उस हैसियत का इस्तेमाल ना करें तो यकीनन अल्लाह की बारगाह में ये सख्त सरजनिश का बायस होगा। और अगर कुछ हम अपनी जो भी हमारी जायदाद और ये सारे माली अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेमतें अता फरमाई हैं इससे अगर थोड़ा बहुत भी हम निकाल के मखलूक खुदा की खिदमत के लिए अपना किरदार अदा करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें बरकतें भी अता फरमाएगा, सवाब इससे अलावा है
और इतना दिया जाएगा कि हम इसका अंदाजा नहीं। नेमतें ही नेमतें। बेशक बेशक। नाज़रीन मोहतरम, हम इन तमाम तर होने वाली गुफ्तगू के दरमियान आप तमाम मोज़ेस ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही गुजारिश करते हैं कि नेकी भलाई के इन कामों में एहसास के हाथ मजबूत कीजिए, और एहसास को आपकी जानिब से ज़रूरत है इज्तमाई क़ुरबानियों में शिरकत की, ताकि जो एक टारगेट है एहसास का वो टारगेट पूरा होता चला जाए। हमने पिछले बरस शायद टनों के हिसाब से, यस टन्स के हिसाब से हमने गोश्त गुरबा मसाकीन मजबूर बेबस और लाचार लोगों के दरवाज़ों तक पहुंचाया है, और इस बार भी यही अदा किया गया है कि उतना ही गोश्त या उससे भी कहीं ज़्यादा हम गरीबों के दरवाज़ों तक पहुंचाते हैं। तो आप तमाम मोज़ेस ख़वातीन हज़रात से हमारी गुजारिश है कि जो साहिब हैसियत हैं और जो इस नेकी और भलाई के काम में शिरकत करना चाहते हैं, उन्हें ज़रूर एहसास के प्लेटफॉर्म से राबता कायम करना चाहिए। जी दानियाल शेख, क्या फरमा रहे हैं आप? ज़हाले मिसकीन मकुनता गाफ़ल, ज़हाले मिसकीन मकुनता गाफ़ल, दोराए नैना बनाए बतियाँ के ताबे हिजरा, नदार मैं जा नली हो काहे लगाए छतियाँ, शबान हिजरा दराज चूजुल वरोज़े वसलत चूम्र कोता, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, यका यक अज दिल दो चश्म जादू, बसद फरेबम बबुर दे तस्की, किसे पड़ी है जो जा सुनावे हमारे पी को हमारी बतियाँ, किसे पड़ी है जो जा सुनावे हमारे पी को हमारी बतियाँ, बहके रोजे विसाल दिलबर के दाद मारा फरेब खुसरो, बहके रोजे विसाल दिलबर के दाद मारा फरेब खुसरो,
सपेत मन के वराए रखो, सपेत मन के वराए रखो, जो जाए पाओ पिया की खतियां से हाले मिसकी मकुन तहाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। माशाल्लाह नाजरीन मोहतरम, आप मुलाहिजा फरमा रहे थे दानियाल शेख को। हमारी एहसास की ट्रांसमिशन जारी और सारी है, इज्तिमाई कुर्बानियों के सिलसिले की ये अपील है और इस अपील में हमारे मौजूद ख़वातीन हज़रात, हमारे डोनर्स शामिल हाल भी हैं। और नाज़रीन, हमें कंट्रोल ने यह बताया है कि अगर हमारे कंट्रोल रूम की लाइनें बिज़ी हैं तो एक दफ़ा के बाद दूसरी दफ़ा, दूसरी दफ़ा के बाद तीसरी दफ़ा आप अगर टेलीफ़ोन कर लेंगे तो नेकी और सवाब के ये काम इसी तरह जारी रहेंगे। हमारे कंट्रोल पर मुस्तकिल लोगों का टेलीफ़ोन कॉल का तांता बंधा हुआ है। आप तमाम मौजूद ख़वातीन हज़रात से हमारी गुजारिश ये है, कहना ये है कि नेकी और भलाई के इन कामों में एहसास के हाथ ज़रूर मजबूत कीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं हमीद अशरफी साहब। अशरफी साहब, आपसे मैं चाहता ही हूँ कि आप चूँकि साहिब इल्म भी हैं, आप सहाफ़ी भी हैं, आप समाजी रहनुमा भी हैं, कारकुन भी हैं, तो आप लोगों को ये बताइए कि नेकी और भलाई के काम शुरू कैसे किए जाते हैं। जब आदमी ने कभी ना किया हो और अचानक उसको ख्याल आ जाए तो नेकी और भलाई के काम क्या क्या हैं, कौन कौन सी बातें नेकी हैं? अली रज़ा भाई, देखें, एक होती है तालीम और एक होती है तरबियत। तो तरबियत जो है वो आम तौर पर घर से मिलती है और ये अल्लाह ताला की तौफीक भी होती है। जैसे कि मैंने तो इसका मकसद ये हुआ अशरफी साहब कि हम लोग कहते हैं ना तालीम और तरबियत, नहीं बल्कि हमें कहना चाहिए तरबियत और तालीम। जी जी बिल्कुल, कि पहले तरबियत पहले से, क्योंकि आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस मुबारक है जी जी कि माँ की गोद सबसे पहली तरबियत का है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद कहीं जाके तालीम शुरू होती है। तालीम शुरू होती जी है। तो यह है कि इसकी देखें बाकायदा तरबियत तो कहीं से नहीं होती, लेकिन ये घर का एक माहौल होता है। हाँ। और जो नेक वालदैन होते हैं वो अपने औलाद को ये सारी चीज़ें सिखाते हैं कि बेटा दूसरों की मदद किया करो। देखें स्कूल के ज़माने के अंदर जब हम भी पढ़ा करते थे हाँ। तो हमारे भी माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे हाँ। तो लोग भी हमारे साथ ताबुन करते थे और हमारे वालिद जो थे ख़ुद भी उस्ताद थे, वो भी दस्ते शक्पत रखा करते थे गरीब बच्चों के साथ। और हमारे साथ भी लोगों ने ख़ास तौर पर उनके विसाल के बाद बहुत ज़्यादा हमदर्दी के वाला सलूक किया, फ़ीसों में रियायत और दीगर मामलात। मतलब ज़िंदगी का इतना बड़ा शोबा है कि कोई एक मखसूस जगह नहीं है, बल्कि आप ये समझें कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। तो इंसान की पूरी ज़िंदगी जो है वो सरापा खिदमत होनी चाहिए, लोगों की खिदमत करनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अपनी आला औलाद को देखा, बल्कि हमें अहले मोहल्ला की और जहाँ जहाँ तक भी हमारी रसाई हो और जिस कदर भी हम किसी के साथ ताबुन कर सकते हों और नेकी का काम कर सकते हों। नेकी का काम करने के लिए किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि ये एहसास की ज़रूरत है, जिस इंसान के अंदर ये एहसास ज़िंदा है समझ लें कि वही आदमी ज़िंदा है। सांसों का आना जाना जो है फ़कत ये ज़िंदगी नहीं है। तो अगर ये एहसास ज़िंदा है तो आप हर सतह पर लोगों के साथ नेकी करेंगे। अगर रोड पे कोई आदमी गिर गया तो आप उसको उठाने का इंतज़ाम करेंगे, उसको अस्पताल में पहुंचाने का काम करेंगे, कोई प्यासा है तो पानी पहुंचाने का काम करेंगे, किसी कोई माली तौर पर कमज़ोर है तो आप उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और कुछ नहीं कर सकते अगर आप भी कमज़ोर हैं तो किसी न किसी तवस्सुत से उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और यही काम एहसास, यही काम अल्हम्दुलिल्लाह इस एहसास के प्लेटफॉर्म पर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन 15 साल हो गए कमोबेश, बहुत कामयाबी के साथ
ये मिशन जारी है। और वो किसी शायर ने कहा था ना कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और माशाल्लाह बदस्तूर इस काफ़िले में इजाफा हो रहा है और जो लोग भी इस पे कुर्बानी में एक मरतबा हिस्सा लेते हैं मैं समझता हूँ कि फिर वो हर साल इसके अंदर शामिल होते हैं और वो दूसरों के ज़रिए भी एक ज़रिया बने हुए हैं, दूसरों को भी इस जानिब रागिब करने की कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात के ताउन से ये मुल्क के तूलो अर्ज़ तक मशरक़ से मगरब तक शुमाल से जनूब तक ये बहुत दूर दूर तक ये गोश्त पहुँचता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो तरबियत याफ्ता कारकुनान हैं उसमें एक सबसे बड़ी क्वालिटी की बात यह है कि अगर हमारे पास तरबियत याफ्ता कारकुनान हैं तो फिर हम गोश्त का सही मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब गोश्त ज़ाया हो जाएगा, ख़राब हो सकता है। तो हमारे पास पूरी टीम है, एहसास के पास पूरी टीम मौजूद है जो बहुत आसान तरीके से ये जो गोश्त है मुस्तहकीन तक पहुंचा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी अपने तौर पर लोगों की मदद करते हैं लेकिन ये जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां तरबियत याफ्ता लोग मौजूद है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि जो लोग नेकनीयती के साथ इस इज्तमाई कुर्बानी में हिस्सा ले रहे हैं इंशाल्लाह वो उनका लगाया हुआ सरमाया जो है ज़ाया और बेकार नहीं जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त बात की आपने। अब मैं चाहता ही हूँ कि आप हुजूर फरमाइए कि हमें नेकी और भलाई के जिन राहों पर हम लोग गामजन हैं नेकियों से कितने फ़वाद हासिल हो रहे हैं, अल्लाह ने हुक्म क्या फरमाया है नेकी नेकोकारों के लिए। आकाए तो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी का क्या दर्स दिया है। अली भाई नेकी का मफहूम बड़ा वसी फरमाया गया जी जी जी। और सदका जिसकी तरगीब बार बार दी जा रही है तो इंसान की हैसियत के मुताबिक इंसान अगर माली तौर पर सदका खैरात करने का अहल है जी तो उस पर लाजिम फरमाया गया। अगर कोई शख्स नहीं भी कर सकता, अगर किसी की हैसियत नहीं है तो दीन इतना पाकीज़ा सुथरा और प्यारा मज़हब मुहज़्ज़ब है ज़बरदस्ती नहीं करता कि हाँ यानी आप किसी को मुस्कुरा कर देखें ये फरमाया कि ये भी सदका है। अल्लाह यानी आप अपनी मुस्कुराहट की वजह से किसी के दिल में एक खुशी का एक माहौल और एक कैफियत पैदा करें तो फरमाया कि ये भी तुम्हारी तरफ से सदका है। यानी किसी भी तौर पर हमारी जात से किसी को फ़ायदा पहुंच सकता है हाँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर हमें सदके का सवाब अता फरमाता है। और फिर जिसकी जितनी हैसियत है उसके लिए ज़ाहिर इतनी ज़िम्मेदारी है कि अगर वो माली तौर पर अल्लाह ताला ने उसे ये इस्तेआत अता फरमाई है तो वो कोशिश करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस नेमत के ज़रिए यानी शुक्र की एक कैफियत यह भी होती है कि आप उस माल का जो मनफियत का जो सिलसिला है उसको अपनी ज़ात तक महदूद ना रखें बल्कि उसका दायरा कार फैलाएं ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी बरकतें और दुनिया और आखिरत में उसके समरात अता फरमाएं। फिर किसी की मदद करना ये एक मुकाफ़त अमल का भी सिलसिला है कि हम किसी की मदद करेंगे अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा। यह हदीस मुबारका में फरमाया गया जी कि तुम खर्च करो अल्लाह ताला तुम पर खर्च फरमाएगा, तुम दो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अता फरमाएगा वा, वा, वा। और तुम जैसा दोगे तो वैसा नहीं दिया जाएगा बल्कि कई गुना बढ़कर उससे अता फरमाया जाएगा। आपने शुरू में एक मिसाल बयान फरमाई थी ना कि गंदम ये एक बीज की तरह है नेकी, बिल्कुल ऐसे कि आप इसको अगर बीज बोते हैं तो वो कल कयामत के दिन एक तनावर दरख्त की सूरत में आपके लिए उसका समरा आपके सामने आएगा। कुरान करीम में इसकी मिसाल बयान फरमाई कि आप अगर अल्लाह की राह में एक रुपया खर्च करते हैं ना, एक दिरहम दीनार एक डॉलर खर्च करते हैं तो उसकी मिसाल एक गंदम के दाने की मिसाल बयान फरमाई। सूरह बकरा में फरमाया गया कि वो गंदम का दाना जब ज़मीन में उसको दबाया जाता है और जब वो ज़मीन का सीना फाड़ कर वो निकलता है ना तो वो सात बालियां लेकर उगता है, हर बाली में फरमाया कि 100-100 दाने। वो एक दाना जो एक बीज के तौर पर हमने उसको बोया था वो सात बालियों के साथ आया और हर बाली में 100-100 दाने। तो फरमाया कि एक दाने ने 700 दाने उगाए। और इसी पर बस नहीं, फरमाया कि वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके लिए चाहे इससे कई गुना बढ़ा दे जी। यानी एक रुपए के बदले में अल्लाह ताला 700 का भी कई गुना बढ़कर अल्लाह ताला उसका अजर अता फरमाता है। ये और फिर अल्लाह की शान और उसकी कुव्वत और उसकी कुदरत के मुताबिक ये वो गिन के नहीं देता कि 700 दिया जाए या 1400 दिया जाए। इन अल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब, के बगैर हिसाब किताब के अल्लाह ताला अता फरमाता है। आप एक बात देखिए मुफ्ती साहब कैसी जबरदस्त बात जहन में आई है, जब परवरदिगार बग़ैर हिसाब व किताब के अता फरमा रहा है तो हम कितने बेवकूफ़ लोग हैं कि हिसाब किताब कर करके गिन गिन के लोगों को देते हैं कि हमने तुम्हें इतने दिए और तुम्हें इतने दिए। उसूलन होना ही चाहिए कि जेब में हाथ डाला जाए जो मैसर आए दे दे इंसान।
ऐसा और हुक्म भी यही है शायद, बेशक यकीन, एक हाथ को दो और दूसरे हाथ को बताना चले जी। यकीनन ये नेकी का सबसे बेहतरीन दर्जा ये है, सबसे आला दर्जा ये है कि आप इंतहाई राजदारी के साथ और सामने वाला जो है उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए और उसकी हैसियत का ख्याल रखते हुए, यानी मदद इज्जत के साथ करें। आप मदद इस तौर पर ना करें कि वो कल जब उसका आपसे आमना सामना हो, कि मदद इज्जत के साथ, इज्जत के साथ करें। वो आपके सामने नजर नहीं उठा सके, वो पूरी जिंदगी उसका सर आपके सामने झुका रहे, वो कैफियत ऐसी हो कि वो चार बंदों के सामने अगर कभी आप उसके सामने आ गए तो वो अपने आप को एक एहसास महरूमी में मुबतला हो कि मैं इसके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, इसके सामने क्योंकि इसने मुझे मेरी मदद की। तो इसलिए फरमाया हजरत इमाम हसन मुस्तफा पाक जी, इस घराने का तो शियार यही रहा ना कि अपनी जात पर दूसरों को तरजीह। इमाम हसन मुस्तफा पाक का मामला यह था कि आपने जो खलबत नशीनी की जिंदगी इख्तियार फरमाई तो रात भर आप मदीने के फुकरा गुरबा मसाकिन में जाकर उनकी घरों की जो दहलीज है उस पर वो उनकी जरूरियात की सारी चीज़ें वो घर छोड़ के आ जाते। ये पता कैसे चला? पूरी ज़िंदगी जब तक आप हयात थे शहादत से पहले किसी को नहीं पता कि हमारे यहाँ ये कौन छोड़ के जाता है, कौन हमारी किफालत कर रहा है। जब इमाम हसन मुस्तफा पाक आपकी शहादत हुई, आपको गुसल देने के लिए पैरहान मुबारक उतारा गया तो आपकी पुश्त मुबारक पर वो बोरियों के निशानात थे, वो आपके कांधे मुबारक पर बोरियों के। इससे पता चला कि ये जो हमारी खिदमत और किफालत करने वाली शख्सियत है वो कोई आम नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। सुभान अल्लाह। हम उनकी अगर अकीदत रखने वाले हैं तो हम अमल भी वैसा इख्तियार करें, अल्लाह ताला उसकी बरकत अता फरमाए। बिस्मिल्लाह। मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, महबूब यगाना है, महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ दर ज़हरा पर लाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, ये नस्ल करीमों की
लजपाल घराना है, लजपाल घराना है, लजपाल घराना है, लजपाल घराना है। महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर, महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर, जैसा है नसीर आखिर साल तो पुराना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, दानियाल शेख को आप मुलाहिजा फरमा रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, हम एहसास के इस प्लेटफॉर्म से आप तमाम मौजूदा ख़वातीन हज़रात की खिदमत में हाजिर हैं। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। और हाँ, जब तक हम वापस ना आए, इंतज़ार कीजिएगा।